हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हाइपोटोनिक चिल्ड्रंस के बारे में। हाइपोटोनिक वो चिल्ड्रन सीपी, स्पेशली हम लोग सीपी के बारे में पढ़ रहे हैं, सेरेब्रल पाल्सी वाले वो बच्चे जिनकी टोन कम होती है, ठीक है, जो फ्लोपी होते हैं, तो इनको हम फ्लोपी चाइल्ड भी कहते हैं। इनके एग्जामिनेशन करेंगे फ्लोपी चाइल्ड की, कि एग्जामिनेशन में क्या क्या पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। अगर हम इनको देखें, ठीक है, सरसरी तौर पर देखें तो ये क्या होते हैं कि सारा दिन एक ही जगह पर लेटे रहते हैं, क्योंकि इनकी मसल्स जो है वो वीक होते हैं, अंडर डिवेलप्ड होते हैं मसल, ठीक है। इस वजह से ये अगर बैठेंगे तो स्टिल बैठेंगे, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है। अगर लेटे रहेंगे तो वो भी ऐसे कोई मूवमेंट नहीं कर रहे, लेजी होते हैं, किसी से बात नहीं करते। उसके अलावा क्रॉल और वॉक अगर करें तो देखें इनके स्टेप्स इस तरह से होते हैं कि ये नीज़ जो हैं वो एक दूसरे से अपार्ट, दूसरे से दूर होते हैं, क्योंकि इनकी जॉइंट्स में हाइपर मोबिलिटी होती है, मसल्स जो है वो वीक होते हैं, वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं प्रोवाइड कर रहे होते, इसलिए इनके जॉइंट्स में हाइपर मोबिलिटी होती है। और ये क्रॉलिंग करते हुए भी और वॉक करते हुए भी इस तरह से वाइट इनकी गेट होती है, ठीक है। ऐसे चिल्ड्रन को हम, जो फ्लोपी चिल्ड्रन होते हैं, इनको हम हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखें, मेडिकल टर्म इनके लिए सेरेब्रल पाल्सी है, ठीक है। अब इस इन बच्चों में फ्लोपीनेस होती है, इनकी टाइटनेस नहीं होगी इन बच्चों में, और इसके अलावा ऐसे फ्लोपी बच्चों में और क्या होगा, इनकी डिवेलपमेंट स्लो होगी, ठीक है, ये नॉर्मल बच्चों से स्लो डिवेलप कर रहे होंगे। इसके अलावा क्या हो सकता है कि हेड और ट्रंक जो हैं, हेड ट्रंक और लिम्स, जो अपर लिम्स हैं या लोअर लिम्स, इनका कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, इन पर कंट्रोल नहीं होता, ये हाइपर मोबाइल होते हैं, इनका बैलेंस नहीं अच्छा होता, ठीक है। उसके अलावा इनके जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं, कि इनको ज़्यादा एक इन्फेंट यानी कि एक साल का जैसा बच्चा हो ना, उसकी इतना इनकी केयर करते हैं। और इसके अलावा इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं प्रोटेक्ट करने की, ठीक है, खुद सारे काम करने लग जाते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि इनकी हम कैसे इन चाइल्ड की हेल्प कर सकते हैं, हेल्पिंग अ फ्लोपी चाइल्ड। तो फ्लोपी चाइल्ड हेल्प करने के लिए ये पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी उसी सब प्ले इनके खेल सकते हैं उस बच्चे के साथ। अगर हम उस बच्चे के साथ खेलेंगे, वो एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेगा, तो उसको एक इंकरेजमेंट मिलेगी मूवमेंट करने के लिए, ठीक है। इससे उसका ना कंट्रोल डिवेलप होगा, उसके हेड ट्रंक और लिम्ब में कंट्रोल डिवेलप होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग खेलेंगे। अब जब उसके साथ हम लोगों ने खेलना है ना, प्लेइंग, उससे पहले कुछ बातें हमने माइंड में रखनी है, वो क्या कि उसको पहले हमने मूवमेंट के लिए प्रिपेयर करना है, उसके फ्लोपी मसल्स को, ताकि वो थोड़े से एक्टिव हो जाए। उसको कैसे एक्टिव करना है, उसके बाउंस करना है उसके बॉटम पर, ठीक है, उसके अलावा टैप करना है चेस्ट पर और टमी पर, इससे उसके मसल्स स्टिमुलेट होंगे। उसके अलावा ये बच्चे जो है ना, रिलक्टेंट टू रिस्पॉन्ड, यानी कि अगर आप कोई स्टिमुलेशन दे रहे हो तो उसके रिस्पॉन्स जो है वो बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं ये बच्चे, ऐसे जैसे इनका प्लास्टिक का माइंड हो और बहुत टाइम लगाते हैं एक चीज़ को समझने में। तो हमें थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए इनके लिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं करनी चाहिए, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सीखें, ठीक है। अब इनको जब इनके साथ खेलेंगे ना, ट्राई करें कि इनकी पोजीशन जो हो वो नीलिंग हो या स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ठीक है। ये पोजीशन जो है इनके लिए कंफर्टेबल होती है, इसमें इस पोजीशन में ना इजीली वो सीख पाते हैं चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम में मैं दिखाती हूँ, पिक्चर में यहाँ पे देखें, एक बच्चा है नीलिंग पोजीशन में है, तो उसके सामने हम क्या कोई टॉय दे सकते हैं, ठीक है, कोई खिलौना, कोई गेम या कोई ऐसी चीज़ ले सकते हैं, और उसे कहते हैं कि इस तक रीच करें यानी कि इसको पकड़े। तो हम इसको मूव करते हैं जाते, बच्चा इसके साथ क्रॉल करता है आता, तो जितना वो मूव करेगा उतना उसमें स्टिमुलेशन आएगी और उसकी मसल्स की जो है वो एक्टिवेशन होगी, मसल में स्ट्रेंथनिंग आएगी, ठीक है। इसी तरह हम सेकेंड हमारा स्टेप है स्टिमुलेशन ऑफ अ फ्लो, स्टिमुलेटिंग फ्लोपी मसल्स, ठीक है। बच्चे में जो मसल्स वीक हैं, जो फ्लोपी हैं, ढीले डाले हैं, तो हमने उसको स्टिमुलेट करना है। उसको स्टिमुलेट कैसे करना है, जैसे ये एक उसकी मदर है, मदर ने उसको गोद में ले लेना है, ठीक है, गोद में लेते हुए उसके लेग्स को अपार्ट कर देना, ठीक है, अपने दोनों लेग्स के एक एक लेग जो है अपनी एक लेग के साइड पे और दूसरी साइड पे। तो इस तरह ना इसने अपनी लेग को, अपनी मदर ने अपनी लेग को ऊपर नीचे करना है, जिससे ना बच्चा बाउंस होगा। और इसके अलावा इसके लेग्स और जो हैंड्स हैं ये फ्रीली मूव करेंगे, तो जब ये फ्रीली मूव करेंगे तो ये बच्चा एक्टिव होगा, ठीक है, इसमें कंट्रोल आएगा, इसकी शोल्डर्स के आर्म्स को मूव करने की ट्राई करेगा, आगे से फ्रंट से इसे कोई टॉय वगैरह दिखा सकते हैं, कोई अट्रैक्टिव टॉय दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था स्टिमुलेशन की, किस नाम स्टिमुलेट करते हैं। देन हमारे पास आता है थर्ड स्टेप के टीचिंग द मदर टू हेल्प, मदर को क्या टीच कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं हम, कुछ हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले
हमने मदर को और उसकी फैमिली को ये बताना है कि ये बच्चे में जो स्लोनेस है या एनर्जी का लेक है या वो चीज़ों को एक्टिविटीज़ को कर नहीं पा रहा है, ये उसका कसूर नहीं है, इसमें इस बच्चे का नहीं है। जब वो पैदा हुआ था बच्चा, उस टाइम पे उसके ब्रेन की डेथ हो गई थी, ब्रेन डैमेज हो गया था, ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो इस तरह वीकनेस में है, उसके मसल्स वीकनेस में है, वो नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये हमने उसे समझाना है उसकी मदर को, और फिर उसकी फैमिली जो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसको बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो हम उनको ये समझाएंगे कि जितना आप बच्चे को सपोर्ट करोगे, जितना आप उसकी एक्टिविटीज़ खुद करोगे, उतना वो आप पे डिपेंड होगा, ठीक है। तो आपने उसे इंडिपेंडेंट नहीं होने देना, खुद पे डिपेंड नहीं होने देना। तो आपने उस बच्चे को कम से कम सपोर्ट करना है, ठीक है, उसके साथ खेलना ज़रूर है, उसे ऊपर नीचे थ्रो करना है, उसके साथ नॉर्मल बच्चों की तरह ट्रीट करना है, उसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं बनाना। उसके अलावा क्या है कि हम लोग फैमिली को या फैमिली में जो दूसरे बच्चे हैं उनको कह सकते हैं कि इस बच्चे के साथ खेलो, इससे उस बच्चे को इंकरेजमेंट मिलेगी, ठीक है, वो शोर पैदा करेगा, उनके साथ खेलने की ट्राई करेगा, तो उसकी एक्टिविटीज़ डिवेलप होंगी, एक्टिविटीज़ से ना उसके मसल्स में जो है वीकनेस वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, तो एक्टिव हो जाएंगे उसके मसल्स। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट था फीडिंग का, जब उसकी मदर उसको फीड कराने लगेगी तो हम उसको कहते हैं कि फीड खुद फीड कराने के बजाय बच्चे के सामने, बच्चे को एक चेयर पर बिठाओ, उसके सामने टेबल रखो और उसके सामने खाना रख दो, वो खुद ट्राई करे, खुद खाने की कोशिश करे। जब वो खुद खाने की कोशिश करेगा ना तो इससे भी उसमें एक्टिविटी एक कर रहा है वो, तो इससे उसके मसल्स एक्टिव हो जाएंगे, ठीक है, इंकरेजमेंट मिलेगी उससे। उसके अलावा जो बच्चे ज़्यादा सवेयरटी की तरफ होते हैं, सवेयर फ्लोपी चाइल्ड होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करना चाहिए, उनको चेयर पे बिठाते हुए हमें कोई स्ट्रैप्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं, इसको चेस्ट से और हिप वाले रीजन से, ट्रंक वाले रीजन से, यहाँ से स्ट्रैप लगा देते हैं ताकि ये बच्चे गिरे ना, क्योंकि इनमें कंट्रोल जो है वो बहुत कम होता है, तो हम इनको सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या करते हैं कि जब उसको उठाना है ना, बच्चे को कैरी करना है, तो उसमें उसकी हिप्स और नीज बेंड हो, उसका हेड जो हो वो अनसपोर्टेड हो, ताकि वो हेड में स्टिमुलेशन, उसको थोड़ी सी स्टिमुलेशन मिले और वो खुद अपना सर उठाने की कोशिश करे, ठीक है। उसके अलावा जब उसकी मदर उसको ड्रेसिंग कराने लगे या वॉश कराने लगे, तो बच्चे को कहे कि वो हेल्प करे मदर की, ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे बच्चा। देन उसको बच्चे को बाउंस करना है, ठीक है, उसके टमी पे, उसकी चेस्ट पे टैपिंग वगैरह करते रहना, ताकि उसमें जो मसल्स हैं वो स्टिमुलेट हो। इसके अलावा हमारे पास फ्लोपी चिल्ड्रन में मेल नरिश्ड चिल्ड्रन आते हैं, जो मेल नरिश्ड होते हैं ना, जिनकी डाइट अच्छी नहीं होती, जिन बच्चों को न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिली होती, वो भी ऐसे लगते हैं जैसे सीपी वाले फ्लोपी हों। असल में ये फ्लोपी होते हैं, इनके भी मसल्स वीक होते हैं, लेकिन ये सीपी चाइल्ड नहीं होते, इन्हें फूड नहीं मिली होती, हो सकता है ये पॉवर्टी की वजह से, गुर्बत की वजह से इन्हें खाना ना मिल सका हो, और इसकी वजह से ये बच्चे वीकनेस में चले गए हों, ठीक है। तो ये वीक होते हैं और ये पार्टिसिपेट भी नहीं करते एक्टिविटीज़ में, ठीक है, एनर्जी भी इनमें नहीं होती, तो इन बच्चों को भी सेम वैसे ही एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन देनी पड़ती है जैसे सीबी चाइल्ड को देते हैं। तो जब भी हम इन्हें एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन देंगे या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेंगे, मूव करने के चांसेस देंगे इनको, और उसके साथ इनकी जो डाइट है ना वो अच्छी करेंगे, बैलेंस डाइट देंगे, तो ये रिकवर कर जाते हैं कम्प्लीटली। सीपी वाले फिर भी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, कम्प्लीटली रिकवर नहीं कर पाते, तो ये बच्चे कम्प्लीट रिकवरी में चले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए इन बच्चों के लिए मदर को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, इन्हें अच्छे से फीड करें, ठीक है। ये था हमारा आज का हाइपोटोनिक के बारे में, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एथिटॉइड सीपी के बारे में। थैंक यू सो मच।